भारत के नए पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने बीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। अल्फोंस ने विदेशी पर्यटकों को सलाह दी है कि वो अपने देश से ही बीफ खाकर भारत में आएं। बीफ एक बार फिर सुर्खियों में है और उसको सुर्खियों में लाने वाले इस बार पीएम मोदी के मंत्री हैं, जिन्होंने एक बड़ा बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि बीफ को लेकर देश में समय समय पर कई विवाद सामने आ चुके हैं, पर इस बार सरकार के मंत्री ने बीफ पर बयान दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंसो ने विदेशी पर्यटकों को भारत आने से पहले अपने देश में ही बीफ खाने की सलाह दी है। अल्फोंसो भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 33वें सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद जब उनसे कई राज्यों में गौमांस पर प्रतिबंध लगने और उसका पर्यटन पर पड़ने वाले असर पर सवाल किया गया, तो पर्यटन मंत्री ने कहा कि विदेशी पर्यटक अपने देश में गौमांस खा सकते हैं। अल्फोंस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि केरल के लोग बीफ खा सकते हैं, जब पूर्व आईएएस अधिकारी ने पर्यटन मंत्री को गौमांस पर उनके पुराने बयानों की याद दिलाई तो उन्होंने इसे बिना सिर पैर वाली बात कहा। उन्होंने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक आइडिया पर काम करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। पर्यटन मंत्री ने लोगों से पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मांगा और लोगों से विदेशी सैलानियों को बढ़ावा देने के लिए नए आइडिया देने को कहा। सत्ता मिलते ही लोगों के विचार किस तरह बदल जाते हैं, इसे नए पर्यटन मंत्री के बयान में देखा जा सकता है। मंत्री महोदय एक ओर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ऐसे बयान देते हैं जिससे सैलानियों में गलत संदेश जा सकता है।